ओके गाइस, तो बहुत ही मेजर अपडेट, बहुत ही ज्यादा मेजर अपडेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स को लेकर के परेशान हो रहे थे कि उनको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है कि असाइनमेंट्स के डेट को वापस से एक्सटेंड कर दिया गया है। 6 जुलाई को उनको याद आया कि असाइनमेंट्स के डेट को एक्सटेंड कर देते हैं। मतलब क्या चल रहा है इग्नू में, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये काम इनको और पहले करना चाहिए था ताकि जो लोग यहाँ पे बैठ गए थे कि नहीं अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम असाइनमेंट दे ही नहीं सकते, अब तो हमें फॉर्म फिलअप करके क्या फायदा होगा। एक तो फॉर्म फिलअप का डेट इन लोगों ने एंड कर दिया 30 जून को, ऊपर से असाइनमेंट के डेट्स भी अब बढ़ा दिए। तो असाइनमेंट्स के डेट अगर हम बढ़ा भी लेते हैं, फॉर्म फिलअप तो हम लोगों ने किया नहीं है, तो एग्जाम तो हम ऐसे भी नहीं दे पाएंगे। मतलब ये कर क्या रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर जो भी हो, तो इम्पोर्टेंट अपडेट है, एग्जाम्स की डेट्स को बढ़ा दिया गया है। 30 जून 2022 में जो डेट खत्म हो रहा था उसको बढ़ा करके 20 जुलाई कर दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल करके सामने आ रही है, 20 जुलाई कर दिया गया है आपके डेट को। कल के डेट में ये नोटिस जो है इशू हुआ है इग्नू के द्वारा, इसमें बताया गया है कि 20 जुलाई तक अब आप अपना असाइनमेंट, डिसर्टेशन, इंटर्नशिप रिपोर्ट, वो सारी चीजें जो सबमिट करनी होती है वो आप कर सकते हो। असाइनमेंट्स आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हो, बोथ हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों के केस में अभी अलाउ कर दिया गया है कि आप 20 जुलाई तक आप अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर सकते हो। तो बहुत ही बड़ी न्यूज है जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं करा है। मेरा ऐसा मानना है कि फॉर्म फिलअप का डेट भी एक्सटेंड होगा, वो इसलिए भी होगा क्योंकि असाइनमेंट के डेट्स को बढ़ाया गया है। अगर असाइनमेंट्स की डेट्स बढ़ेंगी मतलब नए असाइनमेंट्स जमा पड़ेंगे, अब अगर नए असाइनमेंट्स जमा पड़ेंगे तो डेफिनेटली असाइनमेंट्स के डेट भी एक्सटेंड होंगे, क्योंकि उस केस में बहुत सारे पोटेंशियल स्टूडेंट्स होंगे जो कि एग्जाम्स देने में इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि उनका असाइनमेंट सबमिट हो जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने इसलिए भी फॉर्म फिलअप नहीं करा क्योंकि उनका असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ था, पर अगर उनके पास मौका है असाइनमेंट को सबमिट करने का तो क्यों ना वो चीज ये करें, है ना। तो बहुत जरूरी है बच्चों की फटाफट, अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करा तो फटाफट कर ही दो, एग्जाम देने का मौका मिले नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, असाइनमेंट फटाफट लिखो और जमा कर दो। एम कॉम के असाइनमेंट हमारे पास अवेलेबल है, आप जल्दी से आकर के हमसे बात कर सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिगार्डिंग द असाइनमेंट्स थोड़ी सी चार्जेबल होंगी बट बहुत चार्जेबल नहीं है, आप ले सकते हैं। जो लोग हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं वो भी चाहे तो असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, उनके पास भी अब टाइम मिल गया है उनको करने का, ठीक है। तो यस, बहुत ही मेजर न्यूज, 20 जुलाई आपका लास्ट डेट है असाइनमेंट को सबमिट करने का। फटाफट जाइए और अपने असाइनमेंट्स को लिखना स्टार्ट कीजिए, 20 जुलाई तक आप लास्ट जो है जमा कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है, आप इस चीज को फॉलो अप कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, थैंक यू।